हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम बात करेंगे थर्मोमीट्री की द ब्रांच ऑफ हीट दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इसमें बात होगी टेम्परेचर मेजरमेंट की एंड द डिवाइस बाय विच टेम्परेचर इज मेजर्ड इज कॉल्ड थर्मोमीटर तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसका सबसे पहला टॉपिक यही है थर्मोमीट्री पर बच्चे इस टॉपिक को जनरली इग्नोर कर देते हैं बहुत थोड़ा सा इसमें पढ़ना है थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, पर ये कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में पूरी हीट एंड थर्मो में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं तो बहुत थोड़ी सी मेहनत से इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं मास्टर कर सकते हैं तो हम थेरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन एक्सप्रेस जीरो केल्विन ऑन फेरनाइट स्केल मतलब हमसे पूछा हुआ है कि जीरो केल्विन ये कितने डिग्री फेरनाइट के बराबर होता है मतलब केल्विन टेम्परेचर को हमें फेरनाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम होगा इसके बारे में पर जल्दी से थोड़ी सी थेरी रिवाइज करेंगे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर तो कई सारे स्केल्स आपने सुने हुए होंगे और हम बात किसकी कर रहे हैं थर्मोमीट्री की तो थर्मोमीट्री आप जानते हैं दो तरह की होती है एक होती है मॉडर्न थर्मोमीट्री और दूसरी होती है ओल्ड थर्मोमीट्री तो वो वो वन बाय वन दोनों को हम समझ लेंगे यदि कोई क्वेश्चन आता है जिसमें थर्मोमीटर आपको बनाना पड़ गया तो भी आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा तो ओल्ड थर्मामीट्री क्या है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वो ओल्ड थर्मामीट्री हो या मॉडर्न थर्मामीट्री। हमको मटेरियल की मैटर की ऐसी एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी जो टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ लीनियरली वेरी कर रही हो उसको कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी तो वो ओल्ड थर्मोमीट्री हो या मॉडर्न थर्मोमीट्री सबसे सब पहले हमको ढूंढना होती है एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ वेरी करती हो अब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको फिजिक्स में मिलेंगी जैसे हो सकता है किसी वायर की लेंथ टेम्परेचर में चेंज के साथ लीनियरली चेंज हो रही हो या फिर किसी मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो रहा हो या हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम या फिर हो सकता है रेडिएशन हो सकता है या फिर किसी लिक्विड का एक्सपेंशन हो सकता है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमको चाहिए होती है थर्मोमीटर बनाने के लिए उसको कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल यहां जो आप देख रहे हैं थर्मामीटर बना हुआ यह है मर्करी इन ग्लास अब मर्करी मतलब हो गया लिक्विड यानी ये लिक्विड थर्मामीटर का एग्जाम्पल है अब क्या होगा यह कहलाता है उस थर्मामीटर का बल्ब इस बल्ब को जब हम अप करेंगे तब क्या होगा ये मर्करी होगा एक्सपैंड ये मर्करी एक्सपैंड होगा और उसका एक्सपेंशन कौन सा एक्सपेंशन उसका अपेरेंट एक्सपेंशन ये टेम्परेचर के साथ हो रहा होता है तो इस थर्मामीटर में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी हो गई वॉल्यूम अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ मर्क तो ओल्ड थर्मोमीट्री हो या मॉडर्न थर्मोमीट्री दोनों में सबसे सब पहले हमको देखना होती है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी और ओल्ड थर्मोमीट्री में हमको चाहिए होते हैं दो फिक्स पॉइंट्स टू फिक्स्ड पॉइंट्स और दो ये फिक्स पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं तो एक होता है आइस पॉइंट आइस पॉइंट मतलब आइस पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट तो एक चाहिए आइस पॉइंट और एक चाहिए है स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इसको बोल देते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट और स्टीम पॉइंट को बोल देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट तो ओल्ड थर्मोमीट्री में एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी और दो फिक्स पॉइंट्स अभी मैं आपको इसमें समझाता हूं आइस पॉइंट उसको कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और स्टीम पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट अब मॉडर्न थर्मोमीट्री की भी बात कर लेते हैं मॉडर्न थर्मोमीट्री में फिर से हमको चाहिए होगी एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी चाहिए हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का प्रेशर या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम कोई भी हो सकती है वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी और मॉडर्न थर्मोमीट्री में इस थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी के अलावा हमको चाहिए केवल एक ही रेफरेंस पॉइंट जैसे यहां दो फिक्स पॉइंट्स थे यहां पर चाहिए हमें सिर्फ एक फिक्स पॉइंट वन फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स पॉइंट ले लिया जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपने सुना होगा ट्रिपल पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जिस पर वाटर आइस और वाटर वेपर ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे तो ट्रिपल पॉइंट को हम बना लेते हैं रेफरेंस पॉइंट तो फर्क क्या है इन दोनों थर्मोमीट्रीज में तो ओल्ड थर्मोमीट्री में दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं और मॉडर्न थर्मोमीट्री में केवल एक फिक्स पॉइंट होता है जो होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अब वापस यहां आते हैं जैसे अब हमको यह बनाना है यह लिक्विड है एक्चुअली हम तो पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ पर बाय द वे ये थ्योरी मैंने आपको बता दी है इस पर अभी मैं आगे भी बात करूंगा तो यह है लिक्विड थर्मोमीटर जिसमें मर्करी लिया गया है ग्लास के अंदर और हम बात कर रहे हैं मान लो ओल्ड थर्मोमीटरी में तो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी यहां कौन सी हो गई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द मरकरी अब करेंगे क्या इस बल्ब को पहले रख देंगे आइस पॉइंट में आइस पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में इस बल्ब को रख देंगे यहां तक एक्सपेंशन हुआ तो यहां एक मार्क लगा लेंगे फिर इसको रख देंगे उबलते पानी में स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उसमें रख देंगे मान लो मरकरी यहां तक एक्सपैंड हो गया यहां तक एक्सपैंड हो गया तो यहां एक निशान लगा लेंगे तो ये क्या हो गया ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट और ये जो इंटरवल है ये फंडामेंटल इंटरवल कहलाता है इस इंटरवल के हम कर देंगे डिविजन्स तो बन जाएगा हमारा थर्मामीटर भी बन गया और ये एक स्केल बन गया अब ये जो वैल्यूज होती हैं लोअर फिक्स पॉइंट की और अपर फिक्स पॉइंट की ये आर्बिट्ररी होती हैं अलग अलग स्केल में इसको अलग अलग हम लेते हैं जैसे मान लो हमको बनाना है सेल्सियस स्केल आपको पता होगा कि सेल्सियस स्केल को पहले बोलते थे सेंटीग्रेड स्केल सेंटी मतलब हंड्रेड ग्रेड मतलब डिविजन्स तो ये जो फिक्स्ड इंटरवल है फंडामेंटल इंटरवल है इसके हंड्रेड इक्वल पार्ट्स कर दिए गए इसलिए इसको कहते थे सेंटीग्रेड स्केल पहले अब इसे बोला जाता है सेल्सियस स्केल तो ये है आइस पॉइंट यह है स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट और यह जो इंटरवल है फंडामेंटल इंटरवल उसमें हमने क्या किया है इक्वल डिविजन्स कितने किए हंड्रेड इक्वल डिविजन किए यदि हम बना रहे हैं सेल्सियस स्केल और आइस पॉइंट को हमने बोल दिया जीरो डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को बोल दिया है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब इसकी वैल्यूज कितनी हम लें तो ये आर्बिट्ररी होता है कोई भी ली जा सकती है तो सेल्सियस ने जब ये स्केल बनाया तब उसने आइस पॉइंट को लिया जीरो डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को लिया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यही काम जब फ़ारेनहाइट ने किया तब उसने लोअर फिक्स पॉइंट को बोला थर्टी टू डिग्री फेरनाइट और अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट को बोला टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिग्री फेरनाइट यही काम रियुमर ने जब किया तो इसे बोला जीरो डिग्री रियूमर 80 डिग्री रियूमर फिर रैंकाइन स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट फोर नाइन टू डिग्री रैंकाइन और अपर फिक्स पॉइंट सिक्स टू डिग्री रैंकाइन कैलवेन स्केल पर जीरो डिग्री सेल्सियस को बोला गया लोअर फिक्स पॉइंट को बोला गया 273.15 नॉट ये ट्रिपल पॉइंट जो होता है उसके करस्पोंडिंग टेम्परेचर होता है 273.16 तो कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर ये लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन स्केल पर होगा 273.15 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट होगा 373.15 केल्विन तो ये केल्विन स्केल बन गया इसी का वो एक्सटेंशन है मालूम होगा आपको इसका जीरो होता है नीचे -273.15 पर फिर ये एक नया स्केल है न्यू स्केल या फॉल्टी स्केल या किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ स्केल जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट को उसने एक्स डिग्री बोला अपर फिक्स पॉइंट को बोला वाई डिग्री और ये जो स्पेस है फिक्स्ड इंटरवल या फंडामेंटल इंटरवल इसके कितने डिविजन कर दिए वाई माइनस एक्स तो ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या ध्यान रखेंगे सेल्सियस स्केल में ये जीरो हंड्रेड ये हंड्रेड इक्वल डिविजन्स फेरनाइट स्केल में ये बत्तीस ये दो सौ बारह एक सौ अस्सी इक्वल डिविजन्स फिर र्यूमर स्केल में ये जीरो डिग्री र्यूमर ये एट्टी डिग्री र्यूमर एट्टी इक्वल डिविजन मतलब ये माइनस ये हर एक में आप देखो दो सौ बारह माइनस बत्तीस एक सौ अस्सी सौ माइनस जीरो सौ हंड्रेड डिविजन्स एट्टी माइनस जीरो एट्टी डिविजन्स सिक्स सेवन टू माइनस फोर नाइन टू ये आएगा टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व इक्वल डिविजन्स होंगे इन स्केल पर कैलविन स्केल पर फिर से ये डिफरेंस ये 100 मिलेगा 100 इक्वल डिविजन करना है फिर इधर y माइनस एक्स इक्वल डिविजन तो ये डिफरेंट स्केल्स एंड टेम्परेचर के इनके नाम अब आपको याद रखने हैं सेल्सियस थर्नाइट र्यूमर रैंकाइन केल्विन और न्यू स्केल या फॉल्टी स्केल तो फॉल्टी स्केल पर या फॉल्टी थर्मामीटर का यदि यह क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपसे बन जाएगा तो इस फिगर को दिमाग में रखना है अब इनमें से ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से एक तो शेल्सियस और दूसरा फेरनाइट भले आप रूमर रैंकाइन भूल जाएं चलेगा और शेल्सियस फेरनाइट याद रखें क्योंकि ये आपको पता होगा कि ये क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसमें हम फेरनाइट में वैल्यू उसको बताते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है फिर साइंटिफिक वर्क के लिए ये स्केल यूज होता है सेल्सियस और अब जो मॉडर्न थर्मोमीट्री है उसमें ये स्केल यूज होता है केल्विन स्केल तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये तो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार फॉल्टी स्केल पर क्वेश्चन आ जाता है तो ये तीन कम से कम ध्यान रखें जीरो हंड्रेड हंड्रेड इक्वल डिविजन्स बत्तीस दो सौ बारह एक सौ अस्सी डिविजन्स टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन थ्री सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन हंड्रेड इक्वल डिविजन्स और इसमें ये एक्स डिग्री ये डिग्री वाई माइनस आएंगे कि कैसे ये टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है अभी तो हमने ये डिफरेंट स्केल्स समझ लिए अब इन डिफरेंट स्केल्स के बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है तो ये बात याद रखनी चाहिए टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपऑन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट अब ये रिलेशन आया कैसे है? तो अभी जो बात की थी ना हमने यहां पर ओल्ड थर्मोमीट्री में ये दो बातें मॉडर्न थर्मोमीट्री में ये दो बातें इसकी थोड़ी सी एक मैथ्स है मैंने आपसे कहा कि यह थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी ये लीनियरली वेरी होती है टेम्परेचर के साथ तो थोड़ी मैथमेटिक्स लगाकर ही ये आया हुआ है इसकी बात भी अभी मैं करूंगा हाल फिलहाल ये याद रखो कि किसी स्केल पर टेम्परेचर माइनस उसी स्केल का लोअर पॉइंट 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 अपॉन अपर माइनस लोअर ये सभी स्केल के लिए स्केल्स के लिए कांस्टेंट होता है तो ऐसी एक चेन बन जाएगी आइडेंटिटी बन जाएगी देखिए आप ये सेल्सियस स्केल है सेल्सियस स्केल पर बात होगी तो सी माइनस जीरो स्केल पर टेम्परेचर सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अब ये है वो फेरनाइट स्केल फेरनाइट स्केल एफ माइनस थर्टी टू अपॉन माइनस थर्टी ये तो डिफरेंस 100 है ये 180 होता है ये एट्टी होता है रैंकाइन स्केल पर शायद 212 था या क्या था देख लेते हैं देख लेते हैं अभी रैंकाइन स्केल पर ये दो ही था ये अस्सी था ये एक ये सौ ये सौ तो याद रहना चाहिए वो तो ये 180 और ये है लोअर फिक्स पॉइंट रैंकाइन का फिर ये केल्विन और ये फिर न्यू स्केल या स्टूडेंट स्केल या फॉल्टी स्केल इसी को आगे सॉल्व करके ये लिखा हुआ है अब इसमें से जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना चाहिए C बाय फाइव इज इक्वल टू एस माइनस थर्टी इन दोनों को इक्वेट करने पर c बाय हंड्रेड इज इक्वल टू क्या होगा C by 100 is equal to F minus 32 upon यहाँ क्या आएगा 180 ये बहुत यूज होता है रिलेशन 20 से पांच बार और ये 20 से नौ बार कैंसिल होगा तो क्या करना है यदि मान लो हमको क्या करना है 9C is equal to क्या लिख सकते हैं हम F minus 32 इंटू फाइव तो सी बाय फाइव कर देते हैं तो नाइन सी बाय फाइव इज इक्व टू एफ माइनस थर्टी टू हो सके तो ऐसे याद रखें एफ बराबर नाइन सी बाय फाइव प्लस थर्टी टू और ये सब भूल भी गए मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको तो इस बेसिक रिलेशन पर आना है और ये भी भूल जाए तो इसको याद रखना है टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट तो कभी भी ये आइडेंटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब हमारे उस क्वेश्चन पर आते हैं

जीरो माइनस टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव यहाँ क्या आता है थ्री सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस टू सेवन थ्री पॉइंट और बस इसको फिर एफ के लिए हमको सॉल्व कर लेना है तो एफ माइनस थर्टी टू एफ माइनस थर्टी टू इक्वल्स ये बीस से कैंसिल कर दें तो नौ बार ये पांच बार कैंसिल हो जाएगा और ना का हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो नाइन बाय फाइव टाइम्स माइनस टू सेवन थ्री पॉइंट और हमको चाहिए ये तो F. F बराबर क्या होगा तो बत्तीस को उधर ले जाएंगे आर एच एस में तो थर्टी टू माइनस टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव टाइम्स नाइन बाय फाइव और ये आंसर आ जाएगा डिग्री फेरनाइट में अब वन बाय फाइव को आप पॉइंट टू लिख सकते हैं नौ के साथ उसका गुणा करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से थर्टी टू सब्ट्रैक्ट करेंगे मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ आपको आंसर बतलाने के लिए तो टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव टाइम्स नाइन डिवाइडेड बाय फाइव ग्यारह फोर नाइन वन पॉइंट सिक्स सेवन और इसमें से बत्तीस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ग्यारह टू फाइव फोर फाइव नाइन पॉइंट सिक्स सेवन डिग्री फेर मतलब ऑप्शन वन करेक्ट हो गया तो इस तरह जब कन्वर्सन्स करने होंगे तो आपको वो आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे और अभी थोड़ी थेरी भी मुझे आपको बतानी है क्वेश्चन टू पर आते हैं ऑन रूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर टेकन एज जीरो र्यूमर एंड एटी डिग्री रूमर रेस्पेक्टिवली

और डिजन्स कितने होते हैं तो अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी इक्वल डिविजन होंगे ये रियुमर की आपको प्रॉपर्टीज वैसे भी पता थी तो पहला काम तो हमको ये करना है ये बतलाना है कि 39 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री रियुमर के बराबर है तो सेल्सियस स्केल के लिए क्या लिखते हैं हम सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो और यूमर स्केल के लिए लिखेंगे हम आर माइनस जीरो अपॉन एट्टी माइनस जीरो ये याद आ गया अब C की जगह डाल देंगे 39 तो 39 नाइन बाय हंड्रेड इक्वल्स टू आर बाई एट्टी एंड सो R कितना आएगा एट्टी इंटू थर्टी नाइन बाय हंड्रेड थोड़ा कम कैलकुलेशन है कि जीरो कैंसिल आउट होगा तो पहले इसका मल्टीप्लाई करके दस से उसको डिवाइड कर देंगे तो आठ नाम बहत्तर हासिल किया सात चौबीस और सात इकतीस और ये आंसर आ गया थर्टी नाइन पॉइंट टू डिग्री र्यूमर तो ये मैच हो रहा है ऑप्शन थ्री और ये है करस्पॉन्डिंग टू थ्री सिक्सटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो इजीली सॉल्व हो जाएगा इसी तरह इसको करना है तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में पहले तो वही कन्वर्शन वाली वो चेन बड़े ध्यान से उसको आप देख लें क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या बोल रहे हैं फॉल्टी थर्मोमीटर temperature टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड the faulty थर्मोमीटर इज एटी डिग्री फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल तो ये क्वेश्चन आता है फॉल्टी थर्मोमीटर का इसको ध्यान से देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है ये फॉल्टी क्यों है थर्मामीटर क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल होता तो वो कितना होता है जीरो डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट होता हंड्रेड हंड्रेड इक्वल डिविजन होते यहां पर क्या किया है लोअर फिक्स पॉइंट लिया है तीन अपर फिक्स पॉइंट एक सौ दो नाइन्टी नाइन इक्वल डिविजन्स किए हैं और उस बॉडी का टेम्परेचर इस फॉल्टी थर्मामीटर पर शो हो रहा है एट्टी डिग्री हमको उस बॉडी के टेम्परेचर को बतलाना है सेल्सियस स्केल में तो इसको भले हम फॉल्टी बोल रहे हैं पर ये फॉल्टी नहीं है ये एक अपने आप में एक स्केल है तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो बस आपको क्या करना है सेल्सियस स्केल और जैसे इन्होंने कहा है फॉल्टी स्केल इन दो स्केल के लिए वो आइडेंटिटी लगा देनी है बस क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे हम सी माइनस ये फाइंड करना है हमको c माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो

और नीचे ये कितना होगा 102 में से तीन जाएंगे तो निन्यानवे 99 ये सेवन टाइम्स या नाइन टाइम्स कैंसिल ये हो गया 700 हंड्रेड अपऑन नाइन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना होगा वन बाय नाइन को हम पॉइंट वन वन सपोज कर लेंगे यदि तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पॉइंट वन वन टाइम्स सेवन है ना तो ये यही आंसर सही होगा बाकी तो बड़े दूर दूर हैं तो बस इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यानी आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में एट ऑन द द स्केल विल रीडिंग बी डबल ऑफ द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल किस टेम्परेचर पर मान लो एक्स तो पूछा यह जा रहा है कि किस टेम्परेचर पर फेरनाइट स्केल की रीडिंग सेल्सियस स्केल की रीडिंग से डबल होगी तो मान लो सेल्सियस पर वो रीडिंग है x तो सेल्सियस स्केल के लिए क्या लिखेंगे x माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट्रेड आ गया इज इक्वल टू फेरनाइट पर ये रीडिंग डबल हो गई है तो ये x क्या है रीडिंग जो सेल्सियस स्केल पर है और टू टाइम्स एक्स ये फेरनाइट पर होगी तो टू एक्स माइनस थर्टी टू अपॉन न एटी एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है पहले तो ये पांच बार कैंसल बीस से ये नौ बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ नाइन एक्स इक्व टेन एक्स माइनस बत्तीस गुणा पांच एक सौ साठ हो जाएगा ये तो वन सिक्सटी इक्वल्स टू एक्स ये क्या आ गया है एक्स आ गया है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो हमको क्या बताना है हमको बताना है उसका डबल यानी थ्री ट्वेंटी डिग्री फेरनाइट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन फाइव क्या बोल रहे हैं थर्मोमीटर एंड अ फेरनाइट थर्मोमीटर रजिस्टर सिक्सटी डिग्री एंड वन फोर वन डिग्री रिस्पेक्टिवली वेन प्लेस्ड इन द सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर क्लोजर वट इज द एरर इन द फेरनाइट थर्मोमीटर तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा एक एक्यूरेट सेल्सियस थर्मोमीटर है उससे किसी एनक्लोजर का टेम्परेचर पता किया तो उसने कितना रजिस्टर किया 60 डिग्री सेल्सियस तो ये करेक्ट है क्योंकि ये सेल्सियस थर्मामीटर एक्यूरेट है और उसी एनक्लोजर के टेम्परेचर को जब फेरनाइट थर्मामीटर से नापा गया तो वो कितना आया 141 डिग्री फेरनाइट मतलब ये इनकरेक्ट है तो हमको इसी में बताना है कि एरर कितनी आ गई है तो 60 डिग्री सेल्सियस को हम फेरनाइट में कन्वर्ट करेंगे और 141 के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमको फेरनाइट थर्मामीटर पर की एरर मिल जाएगी तो 60 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है कन्वर्ट करना है फेरनाइट के टेम्परेचर में तो क्या लिखेंगे 60 माइनस जीरो अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल मतलब ये सीधे सौ हो गया सिक्सटी बाय हंड्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एट्टी पांच बार कैंसल बीस से ये नौ बार और सिक्सटी बाय फाइव यानी ये हो गया ट्वेल्व नाइन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया हंड्रेड एंड एट प्लस थर्टी टू तो ये आ गया फेर में वो टेम्परेचर तो आठ ये कितना हो जाएगा 140 140 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आ गया वो टेम्परेचर इतना होना चाहिए था और कितना आया है 141 यानी बढ़कर आया है यानी प्लस वन का एरर है यानी आंसर ये सही है वन डिग्री फ़ारेनहाइट तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कोइंसाइज विद दैट ऑफ फेरनाइट थर्मोमीटर इन अथ द टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड इज तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हो सकता है आपको आंसर ही इसका याद होगा इसका आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं हम मान लेंगे कि वो टेम्परेचर है x जो दोनों स्केल्स पर कोइंसाइड होता है अब सेल्सियस स्केल के लिए क्या लिखेंगे अरे फिर से एक बार वंस मोर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेट थर्मोमीटर हो सकता है आपको आंसर इसका याद होगा इसका आंसर है माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस अब इसको वेरीफाई करते हैं तो हम मान लेंगे कि वो टेम्परेचर जो दोनों स्केल्स पर कोसाइड होता है वो है एक्स तो सेल्सियस स्केल के लिए क्या लिखेंगे एक्स माइनस जीरो अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हंड्रेड और फेरनाइट स्केल पर भी वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है तो एक्स माइनस थर्टी टू अपॉन वन एट्टी और इसको एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे तो ये पांच बार कैंसिल बीस से ये नौ बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया नाइन एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस वन सिक्सटी अब इसको इधर लाते हैं कितना हो जाएगा ये फोर एक्स फोर एक्स बराबर माइनस एक सौ तो साठ एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस चालीस ये वेरीफाई भी हो गया तो आगे के लिए इस रिजल्ट को याद रखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं टू थर्मामीटर्स वन सेल्सियस एंड अदर फेरनाइट आर पुट इन अ हॉट बाथ द रीडिंग ऑन फेरनाइट स्केल इज जस्ट थ्री टाइम्स द रीडिंग ऑन सेल्सियस थर्मामीटर द टेम्परेचर ऑफ द बाथ इज बहुत ही आसान क्वेश्चन तो मान लो कि सेल्सियस पर है वो एक्स तो एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फेरनाइट पर वो थ्री टाइम्स हो गया है सेल्सियस का तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया तो नाइन एक्स बराबर फिफ्टीन एक्स माइनस वन सिक्सटी ऐसा होगा और अब क्या करना है हमको हमको चाहिए है एक्स की वैल्यू तो ऐसा हो गया ये तो एक्स बराबर कितना हो गया 160 सौ साठ बाय सिक्स है ना और ये हो गया 80 बाय थ्री के बराबर 80 बाय थ्री क्या डिग्री सेल्सियस क्योंकि हम एक्स बतला रहे हैं जो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है यही पूछा है हमसे टेम्परेचर ऑफ द बाथ आंसर डिग्री सेल्सियस में है तो वो होगा 80 बाय थ्री फेरनाइट पे पूछा होता तो क्या करते हैं हम थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करके 80 डिग्री फेरनाइट बतलाते तो 80 बाय थ्री डिग्री सेल्सियस तो ये इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं द द स्टीम पॉइंट पॉइंट एंड आइस ऑफ अ मर्क्री थर्मोमीटर आर मार्क्ड एज 80 डिग्री एंड 20 डिग्री व्हाट विल बी द देशर इन सेंटीग्रेड मर्क स्केल वे दस थर्मोमीटर रीड्स थर्टी डिग्री फिर से पढ़ते हैं स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट 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 मतलब lower point, steam point मतलब लोअर अपर फिक्स पॉइंट किस पर मर्कुरी थर्मामीटर पर 80 और 20 से रिप्रेजेंट हुए वॉट विल बी द देशर इन सेंटीग्रेड मर्कुरी स्केल दिस थर्मामीटर रीड्स 32 डिग्री तो अब हमको कंपेयर करना है कौन से स्केल्स को एक सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड और दूसरी तरफ ये नया स्केल है ये नया scale, स्केल न्यू स्केल और न्यू स्केल पर न्यू स्केल पर ये टेम्परेचर है 32 तो टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट 20 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ये न्यू स्केल के लिए हुआ और इधर सेंटीग्रेड के लिए क्या होगा तो सेंटीग्रेड पर यही टेम्परेचर मान लो सी है तो सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड इस तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा बारह और यहाँ आएगा साठ तो वन बाय फाइव हो गया ये सी बाय हंड्रेड ठीक है तो ये पांच बार कैंसिल और ये बीस बार तो सी आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर तो ये न्यू स्केल की बात हो गई यहां तो फॉल्टी स्केल आता है कभी न्यू स्केल आता है कभी आपस में इनके कन्वर्शन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन अभी नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं नीट में आते हैं इस तरह के क्वेस्स आगे हम अभी लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे द हायर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑन अ थर्मोमीटर आर सेपरेटेड बाय वन फिफ्टी एम एम वन देंथ ऑफ मर्की थ्रेड अब द लोअर टेम्परेचर इज थर्टी एम एम द टेम्परेचर रीडिंग वुड बी तो ये बात हो रही है किसी मर्करी थर्मामीटर की मर्करी इन ग्लास और वो जो फिक्स्ड इंटरवल है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच वो है 150 फिफ्टी mm. और टेम्परेचर क्या होते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर राइज होगा तो मर्करी थ्रेड कितना कहां पहुंच जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट तक ऐसा हुआ इसका मतलब 1 एम mm का जब एक्सपेंशन होगा या उस मर्करी थ्रेड की लेंथ चेंज होगी 1 एम mm से तो करस्पोंडिंग जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना होगा 100 अपॉन 150 डिग्री सेल्सियस तो हमको बताना है 30 mm के करस्पॉन्डिंग कितना तो क्या करेंगे इसमें बस 100 अपॉन 150 टाइम्स 30 कर देंगे 30 एम mm, बस ये कितनी बार पांच बार कैंसिल और ये 20 बार कैंसिल यानी 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस जब भी टेम्परेचर राइज होगा तब उस थ्रेड में लेंथ का कितना चेंज आएगा 30 एम mm. कहीं पर भी कहीं पर भी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज 40 से 60 करेंगे तो लेंथ मरकरी थ्रेड की 30 एम mm से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लीनियरली वो चेंज होता है तो आंसर है हाल फिलहाल ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो अगला क्वेश्चन एंड थर्मामीटर आर इन वाटर। वाटर है तो डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और फेरनाइट में 212 डिग्री फेरनाइट तो बॉयलिंग वाटर की बात हो रही है द वॉटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फेरनाइट थर्मामीटर रजिस्टर्स 176 डिग्री फेरनाइट तो जब फेरनाइट स्केल पर बात हो रही है तब टेम्परेचर उसका कम हो गया वाटर का कहां से 212 से 176 डिग्री फेरनाइट हो गया बताना क्या है व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर तो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर यही फॉल ऑफ टेम्परेचर कितने से शो होगा या कितना रजिस्टर होगा ये हमसे पूछा हुआ है तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी जो अब तक हम करते आ रहे हैं तो पहले तो 212 में से 176 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 212 डिग्री फेरनाइट पर था वो क्योंकि बॉइलिंग वाटर था और 176 हो गया उसका टेम्परेचर तो ये यहाँ कितना आएगा 6 और ये 36 36 डिग्री फेरनाइट ये आया फॉल ऑफ टेम्परेचर किस पर फॉल ऑफ टेम्परेचर आया है ये फेरनाइट स्केल पर ठीक है फॉल ऑफ टेम्परेचर फेरनाइट स्केल पर ऐसा लिख सकते हैं हमको बताना है सेंटीग्रेड पर कितना फॉल आएगा तो करना वही है फेरनाइट स्केल के लिए लिखेंगे हम डेल्टा एफ फेरनाइट स्केल पर फॉल ऑफ टेम्परेचर अपॉन यहां आएगा नाइन और सेल्सियस पर चर अप ऑन फाइव ये आइडेंटिटी अब यूज करना पड़ेगी आपको यहां चेंज लिख दिया मैंने तो यहां पर छत्तीस नौ गुणा पांच तो सेल्सियस स्केल पर वही चेंज इन टेम्परेचर इतना रजिस्टर होगा तो ये कितना हो गया ये हो गया बीस डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑप्शन वन इज करेक्ट अगला क्वेश्चन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड जीरो से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी थेरी डिस्कस करना चाहता हूं ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाए पहले हमने बात की थी कि थर्मोमीट्री दो टाइप की होती है एक होती है ओल्ड थर्मोमीटरी और एक होती है मॉडर्न दोनों की अलग अलग बात करेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं ओल्ड थर्मोमीट्री की ओल्ड थर्मोमीट्री थर्मोमीट्री मतलब क्या होता है टेम्परेचर का मेजरमेंट और ओल्ड थर्मोमीट्री हो या मॉडर्न दोनों में हमको मटेरियल की एक ऐसे प्रॉपर्टी की जरूरत होती है जो टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ लीनियरली चेंज हो ठीक है द इंस्ट्रूमेंट विच मे टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर इसका कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है ऑन समिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देंजेस विथ टेम्परेचर लीनियरली फॉर एग्जाम्पल अपेन्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर जैसा की वो क्वेश्चन था या वॉल्यूम ऑफ गैस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर का कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर ध्यान से इसको यदि सुन लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा नए क्वेश्चन आने पर भी आप सब बनेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इसको अलग से भी हम पढ़ते हैं इस थर्मामीटर को पर अभी हम उसकी मैथमेटिक्स देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आएगा प्रेशर में ठीक है ये ध्यान रखेंगे उसके पहले उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लीनियर वेरिएशन देखते हैं उसी को कहते हैं क्या प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको याद दिला रहा हूं यह कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाईक् टू एम एक्स प्लस सी तो यहां भी जो मैथ्स होगी वो इसी तरह से हमको करना होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेकर मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं इसमें सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट m ये होता है स्लोप मतलब और एक्स वाई ये होते हैं वेरिएबल्स ठीक है वेरिएबल्स जैसे x है मान लो टेम्परेचर x है टेम्परेचर और ये वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज हो रही है हो सकता है प्रेशर या वॉल्यूम या रेजिस्टेंस या कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी तो इसी शेप में ये मैथमेटिक्स होगी आगे की अभी हम देखते हैं तो हम बना रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर ठीक है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को बदलेंगे और प्रेशर को रीड करेंगे अब मैंने मान लिया है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर और किसी अननोन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर टी डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर हैं मान लो कितने कितने पी नॉट पी हंड्रेड और पी टी ऐसा मैंने मान लिया ठीक है ऐसे है तीन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू जीरो हंड्रेड एंड वो टेम्परेचर जिसको हमको नापना है T डिग्री सेल्सियस अब सबसे पहले हम लिखते हैं पी नॉट पी नॉट कितना होगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कितना होगा तो इससे कंपेयर करके लिख रहा हूं मैं यह है प्रेशर पी नॉट किस समय जब टेम्परेचर है जीरो इसी इक्वेशन को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी घबराना मत आप कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बड़ा आसान है वही वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को पहले मैंने ऐसे लिख लिया ये एक्स क्या है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी एन बी आर सम कॉन्स्टेंट्स और ये टी क्या है वो टेम्परेचर जिस पर यह एक्स ना पा गया है मतलब एक्स है थर्मोमीटरिक प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी ए एन बी आर सम कॉन्स्टेंट्स तो पी नॉट है प्रेशर इस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जब टेम्परेचर है जीरो तो इक्वेशन कैसी बनेगी इसको देख कर पी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी तो बी कितना आ गया बी आ गया बी कितना आ जाएगा ये तो जीरो हो गया तो so बी हो गया पी नॉट के बराबर ठीक है ये पार्ट वन अब इसके लिए क्या लिखेंगे तो यहां लिखेंगे पी हंड्रेड पी हंड्रेड इज इक्वल टू ए वो कोई कांस्टेंट ये टेम्परेचर हंड्रेड प्लस बी कितना है बी है पी नॉट के बराबर बी है पी नॉट के बराबर अब इक्वेशन थ्री बनाते हैं क्या लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू अब यहां पर प्रेशर को एफिशियंट ऑफ गैस वाला वो फॉर्मूला लेकर भी ये काम किया जा सकता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर इस तरह भी उसको समझा जा सकता है पी टी इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटू टी प्लस पी नॉट ऐसी दो इक्वेशन आएंगे और अब इनकी हमें सॉल्विंग करनी है तो पहले इसको इधर ले जाते हैं ट्रांसपोज करते हैं p हंड्रेड p हंड्रेड p हंड्रेड माइनस p नॉट इज इक्वल टू हंड्रेड ए और इसको सॉल्व करते हैं पी टी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू ए टी इंटू ए ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगे हमारी टारगेट क्वांटिटी कौन सी है टारगेट क्वांटिटी है टी हम मेजर करना चाह रहे हैं टेम्परेचर तो इस इक्वेशन में इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा टी बाय हंड्रेड टी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी बाय हंड्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट अपॉन पी हंड्रेड माइनस पी नॉट और आपको चाहिए टी तो टी इक्वल्स टू अब ये डेरीवेशन बार बार नहीं करना है मैं तो आपको समझा रहा था कि थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ में आपको नापना क्या क्या रहेगा पी टी प्रेशर उस टेम्परेचर पर जो आप नोट करना चाहते हैं माइनस जीरो डिग्री सेल्सियस का प्रेशर अपॉन पी हंड्रेड माइनस पी नॉट और ये हंड्रेड का हो जाएगा यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपको देख लेना चाहिए और ये आएगा किसमें डिग्री सेल्सियस में और ये थर्मोमीट्री कौन सी है ओल्ड थर्मोमीट्री क्योंकि इसमें हमने जो दो रेफरेंस पॉइंट्स लिए हैं दो फिक्स पॉइंट्स लिए हैं ये लोअर फिक्स पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट तो टी जब नापना होगा मैं फिर से बार बार इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में छप जाए आपके टी डिग्री सेल्सियस में कितना होगा तो वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर से टी डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग प्रेशर को नाप लेंगे जीरो हंड्रेड के ऑलरेडी हमको पता रहेंगे बस ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको वो करस्पोंडिंग टेम्परेचर मिल जाएगा ठीक है अब हो सकता है कि रेजिस्टेंस की बात हो रही हो रेजिस्टेंस की बात होगी तो यहां क्या लिखेंगे आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इंटू हंड्रेड तो टेम्परेचर निकल आएगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर होगा तो यहां वॉल्यूम की बात होने लगेगी वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी हंड्रेड माइनस वी जीरो इंटू हंड्रेड तो एक ही तरह का फॉर्मूला कई सारे सवालों में लगता है अब वो क्वेश्चन करके देखते हैं वो क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था इलेवन अब यहां बात हो रही थी प्लेटिनम रेजिस्टेंस की जीरो डिग्री सेल्सियस के करस्पोंडिंग हमको दे रखा था रेजिस्टेंस 80 और 100 के करस्पॉन्डिंग दे रखा था 90 ओम हमको बतलाना था वो टेम्परेचर जब उसका रेजिस्टेंस 86 ओम है तो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको टी डिग्री सेल्सियस में यहां क्या आएगा रेजिस्टेंस टी का माइनस रेजिस्टेंस जीरो का यहां हंड्रेड का यहां जीरो के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इन टू हंड्रेड ये फार्मूला लगने वाला है और डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आर टी आर टी इज एटी सिक्स माइनस आर नॉट इज एटी एटी सिक्स माइनस एटी अपॉन आर हंड्रेड इज नाइंटी माइनस आर नॉट इज एटी इन टू हंड्रेड तो यह हुआ छ ये दस और ये सौ तो ये आ गया साठ डिग्री सेल्सियस तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में ये सेम फॉर्मूला लगने वाला है तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो हाल फिलहाल आंसर है 60 डिग्री सेल्सियस और वो थेरी भी आसान है बहुत अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ मॉडर्न थर्मामीटरी उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन करके हम देखेंगे पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्या बोल रहे हैं द तो प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड

तो कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम और प्रेशर उस गैस का वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी होता है या हमको बताए हुए हैं जीरो और हंड्रेड के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और जब प्रेशर है थर्टी फाइव सेंटीमीटर ऑफ मर्क्य तो हमको वो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बतलाना है तो लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है हमको टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा पी टी प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस एट जीरो डिग्री सेल्सियस फिर यहाँ आएगा पी हंड्रेड माइनस पी जीरो टाइम्स हंड्रेड तो बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में और फिर केल्विन में पूछा होगा तो आपको वो कन्वर्शन आता ही होगा डिग्री सेल्सियस का केल्विन बनाने के लिए टू सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव एड करते हैं केल्विन से डिग्री करना है तो सब करते हैं माइनस सेवन थ्री पॉइंट करेंगे हाल फिलहाल पीटी कितना है वह है पैंतीस और यूनिट सब सेम है तो फिकर करने की जरूरत नहीं है प्रेशर है सेंटीमीटर ऑफ कितना है? नीचे आएगा P100. P100 is इंटू हंड्रेड तो ये कितना होगा अट्ठाईस और ये छत्तीस मतलब ये हो गया आठ ये तो हो गया आठ और इधर क्या होगा पैंतीस अट्ठाईस दशमलव छ मतलब वन पॉइंट फोर यानी सिक्स पॉइंट फोर हो गया ये सिक्स पॉइंट फोर टाइम्स हंड्रेड है ना ये डेसिमल हटा दें तो ये एक जीरो खत्म कर दें ये आठ बार कैंसिल यानी आ गया सीधे सीधे अस्सी एट्टी क्या डिग्री सेल्सियस बड़ा आसान होगा बशरते ये फॉर्मूला आपको याद आ जाए और इसको यूज करना आपको आ जाए और ये ओल्ड थर्मोमीट्री में बात हो रही है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अ मास ऑफ एन आइडियल गैस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज पी तो ये है वो मॉडर्न थर्मोमीट्री तो इसकी भी थोड़ी सी थेरी हम समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं हमने ओल्ड थर्मामीट्री तो पढ़ ली थी अब यह है मॉडर्न थर्मामीट्री जो ट्रिपल पॉइंट पर बेस्ड होती है तो जैसा मैंने कहा था आपसे कि ओल्ड थर्मामीट्री में दो रेफरेंस के पॉइंट्स होते हैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर मॉडर्न थर्मामीट्री में एक ही रेफरेंस का पॉइंट होता है और वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और इसको भी आर्बिट्ररीली चूज किया हुआ है अब थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी इसमें भी कोई ना कोई होगी जैसे मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होगी प्रेशर और प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी होगा उस थर्मोमीटर में और लीनियरली यदि वेरी हो रहा होगा तो फिर से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन काम आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसी तरह की इक्वेशन होगी यह है वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी से प्रेशर इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर एक्स इक्व क्या होगा ए इनटू कैपिटल टी प्लस बी तो ये ओबे होगी इक्वेशन एक्स क्या है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कैपिटल टी ए और बी कुछ कॉन्स्टेंट है अब मान लेते हैं कि जिस भी थर्मोमीट्रिक मीट्रिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड थर्मामीटर हमको बनाना है उसकी जीरो केल्विन पर जीरो केल्विन पर टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स ध्यान से देखेंगे वन फाइव नहीं है वन सिक्स है यही है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स मतलब यही है वो रेफरेंस पॉइंट अभी तो आपको दो दिख रहे हैं पर एक ही बचेगा वो तो ये और ये है वो टेम्परेचर जिसको नापा जाना है टी केल्विन इन तीन टेम्परेचर पर उस थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यूज कितनी कितनी है तो जीरो केल्विन पर जैसे हम बात करेंगे तो आप जानते हैं जीरो केल्विन पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही जीरो हो जाते हैं रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा तो ये तो आएगा जीरो यानी एक रेफरेंस जीरो ही हो गया दूसरा ट्रिपल पॉइंट पर उसकी वैल्यू है मान लो एक्स टी आर और टी केल्विन पर उसकी वैल्यू है एक्स टी फिर से बोलता हूं मैं एक थर्मोमीटर प्रॉपर्टी हमने चूज की जैसे हम बात करेंगे वॉल्यूम गैस की तो प्रेशर की बात करेंगे. तो इन तीन टेम्परेचर पर प्रेशर ले लेंगे जीरो कैल्विन के करस्पॉन्डिंग प्रेशर हो जाएगा जीरो फिर ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पीटीआर और टी केल्विन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पीटी आप तीन इक्वेशंस बनाएंगे इससे पहली इक्वेशन जब आप बना रहे होगे इसके लिए तो क्या होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो ठीक है ये कितना हो जाएगा जीरो तो बी कितना हो गया जीरो तो खेली खत्म हो गया बी का अब बस इन दोनों के लिए हमको इक्वेशंस बनानी है इसके लिए लिखेंगे इसके लिए इसके लिए यदि लिखते हैं तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे x ट्रिपल पॉइंट एक्स टी आर एक्स टी आर इज इक्वल टू ए कैपिटल t टी TR. आर मतलब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर और दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिख लेंगे क्या लिखेंगे x कैपिटल t इज इक्वल टू ए टाइम्स ए टाइम्स यहां क्या आएगा वो टेम्परेचर जिसको हमको नापना है इसको आप टी भी लिख सकते हैं चाहे तो ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी अब हमारी टारगेट क्वांटिटी कौन सी है ये हमें चाहिए तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं तो टी जो नापा जाना है टी पी लिख दिया है मैंने इसको टी के भी लिख सकते हैं जो चाहे वो लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता वो टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का लिख दिया है मैंने आप के भी लिख सकते हैं उसे तो यहां के लिख देता हूं अब मैं टी के ये नापा जाना है अपॉन टी टी आर ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स टी उस थर्मोमीटर प्रॉपर्टी की वैल्यू टेम्परेचर टी पर अपॉन उसी की वैल्यू ट्रिपल पॉइंट पर ऐसा अब यदि वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो क्या हो जाएगा यहां क्या आने लगेगा पी टी P ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर पी टी अपॉन पी टी आर और इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब वो टेम्परेचर केल्विन में, में मेशर होकर आ जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं इसे T केल्विन बराबर एक्स टी अपॉन एक्स टी आर इंटो ये कितना होता है टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स ऐसा हो गया तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा इसको याद रखना भी बड़ा आसान है बहुत ही आसान है अब क्या इससे फायदा क्या हुआ एक ही रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग तो वैल्यूज क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो रेफरेंस का एक ही पॉइंट बचा ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप बेसिकली इसको ऐसे याद रखो कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू वो थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी बस यहाँ कैपिटल टी लिखना तो आपको याद आ जाएगा कि वो एप्सुलूट टेम्परेचर है दूसरी बात ये कि ये याद रखो कि टी ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो होता है टू सेवन थ्री पॉइंट कोई भी क्वेश्चन आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा आप सब देखते हैं आते हैं इस क्वेश्चन पर क्या आपको कुछ याद रहा मैंने तो कोशिश की आपको समझाने की क्या बोल रहा है फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस इज में मतलब प्रेशर होगा वेरिएबल प्रेशर बदलेगाचर के साथ प्रेशर ऑफ द गैस है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर इज पी टी आर द थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर ऑफ द गैस एन द प्रेशर इज पी हमको चाहिए टेम्परेचर जब प्रेशर है पी तो हमको याद ही आ जाना चाहिए टी प्रपोर्शनल टू पी बस ये याद आ जाता है तो क्या लिखोगे आप टी अपॉन टी ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू पी अपॉन पी ट्रिपल पॉइंट बड़े आसानी से ये बन जाएगा ये चाहिए है इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो P अपॉन पी टी आर और यहाँ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा T ट्रिपल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर टेम्परेचर होता है टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स और इसको डब्बे में बंद करके के लिख दिया तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन ही करेक्ट हो गया तो ये होती है मॉडर्न थर्मोमीटरी जिसमें एक ही रेफरेंस का पॉइंट होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन द क्वेश्चनी पॉइंट एंड द आइस पॉइंट ऑफ आर रॉन्गली एज 92 एंड 2 डिग्री रेस्पेक्टिवली द करेक्ट रेस्पेक्टिवलीचर रेड बाय दिस थर्मोमीटर इज इसके पहले भी हम तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं मान लेते हैं कि वो है एक्स करेक्ट टेम्परेचर तो सेल्सियस स्केल पर एक्स बाय हंड्रेड इज इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 92 टू माइनस टू दट इज नाइन्टी इसको सॉल्व कर देना है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9x एक्स टू टेन माइनस ट्वेंटी तो 20 इज इक्वल टू एक्स बस यही आंसर आ गया तो x विल बी 20 डिग्री सेल्सियस अगला क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फेरनाइट थर्मामीटर रीड्स 113 एंड थर्टीन डिग्री फेरनाइट पहले फॉल्टी सेल्सियस थर्मामीटर रीड्स 44 डिग्री सेल्सियस ध्यान से आपने पढ़ा होगा फेरनाइट में जो रीडिंग आ रही है वो तो करेक्ट रीडिंग है फॉल्टी तो ये है सेल्सियस थर्मामीटर जो शो कर रहा है 44 डिग्री सेल्सियस द करेक्शन टू बी अप्लाई टू द सेल्सियस थर्मामीटर एज तो हमको इस 113 डिग्री फेरनाइट को बदलना पड़ेगा किसमें डिग्री सेल्सियस में ये कि कितने डिग्री सेल्सियस है ये पता करना पड़ेगा तब हमको पता लगेगी एरर और एरर का ऑपोजिट साइन के साथ लिखने पर हमको मिलेगा करेक्शन तो पहले इसको बदलें तो आप जानते हैं सी बाय फाइव बराबर एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन तो ये एफ कितना है ये एक सौ तेरह एक सौ तेरह माइनस बत्तीस अपॉन नाइन और इंटू फाइव इक्वल्स टू सी 113 में से 32 सब करना है तो ये एक और ये आठ यानी एटी वन बाय नाइन इंटू फाइव नाइन नाइन तो आ गया 45. 45 क्या डिग्री सेल्सियस यानी वो फॉल्टी सेल्सियस स्केल बतला रहा है चवालीस और ये है उसकी ट्रू वैल्यू उसे रीड इतना करना चाहिए और वो कर कितने का रहा है फोर्टी फोर का एक कम एक डिग्री कम मतलब माइनस वन डिग्री सेल्सियस ये तो है एरर तो करेक्शन कितना होगा प्लस वन डिग्री सेल्सियस ध्यान से आपने सुना होगा यहाँ गड़बड़ हो सकती है तो आंसर है प्लस वन डिग्री सेल्सियस